हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम बात करेंगे गुप्त काल से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, भारतीय इतिहास का ये पार्ट 17 है और गुप्त काल का पहला पार्ट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां भारतीय इतिहास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनकर आता है, वहां गुप्त काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं गुप्त काल से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है आपके सामने, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, सही आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुषाणों के। किसके? कुषाणों के। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। देखिये दोस्तों, यहाँ पर पहली सूची में आपको स्तंभ लेख दिए हैं, अभिलेख दिए हैं और उनसे संबंधित राजाओं के नाम दिए हैं, यानी कि शासकों से। आप इस वीडियो को पॉज करके, यानी कि वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऑप्शन दिखाता हूं, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि ये कूट पहले से सुमलित है, बस आपको याद रखना है, ए का फर्स्ट, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर। तो हम दोबारा उसी पेज पर चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रयाग अथवा इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से। इसके बाद है बिलसड स्तंभ लेख का संबंध है कुमारगुप्त से। फिर है भीतरी स्तंभ लेख, इसका संबंध है स्कंदगुप्त से। फिर है मंदसौर लेख का संबंध है बंधु बर्मन से। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट गुप्त शासन के दौरान एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। क्वेश्चन SSC में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी अथवा दरबारी भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में आया है ये क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी अथवा दरबारी भाषा क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत थी दोस्तों की भाषा। इतिहासकार B.A. Smith ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अक्सर हम पढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, किस इतिहासकार का नाम दिया है B.A. Smith ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया, रेलवे में, UPPCS में, CGPCS में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के एग्जाम में पूछा गया है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। SSC में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? SSC और NDA में क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? राइट आंसर है आपका गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों ने के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? SSC में पूछा गया है क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सही आंसर इसका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अजंता चित्रकारी या विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी या विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से।
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी ये, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो ये था आपका नालंदा, ठीक है, नालंदा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, सही आंसर है भानुगुप्त, रेलवे की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। फाययान किसके शासनकाल में भारत आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फाययान किसके शासनकाल में भारत आया था, सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाययान भारत आया था। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था, यानी कि किसका युग था ये, तो ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर है गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन है, फाययान कहाँ का निवासी था, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाययान कहाँ का निवासी था, सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री था फाययान। सेतुबंद का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, सेतुबंद का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, सही आंसर है ऑप्शन सी, बाकाटक, ठीक है, बाकाटक वंश का शासक था दोस्तों, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा है गया है, ये किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको लग रहा होगा मैं हर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, भाई ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, देखिए कहीं कहीं तो लिखा है लेकिन कहीं नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघबर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, श्रीलंका के राजा मेघबर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो ये मांगी थी बौद्ध गया में, कहां पर, बौद्ध गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो ये हुआ था गुप्त काल में, कहां पर, गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहां क्लियर हो जाएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और कब की थी, तो ये इसने भाई साहब की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है, शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो ये थे भगवान विष्णु, ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उपाधि कब धारण की, वो भी देखो, वहां लिखा था शकों का उन्मूलन, यानी कि पराजित करना ही उसका अर्थ था। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो यह हुआ था चतुर्थ सदी ईसा में, ठीक है, चतुर्थ सदी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इंपॉर्टेंट है, फाययान और हैनसांग ने किनके राज्यों को देखा, ठीक है, राजाओं की बात कर रहा है, फाययान और हैनसांग ने किनके राज्यों को देखा, सही आंसर है ऑप्शन डी, सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः का मतलब है फाययान ने देखा भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय, और हैनसांग ने देखा हर्षवर्धन का समयकाल। धनवंतरी थे, क्वेश्चन है, धनवंतरी थे, देखिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी बना सकता है भाई कि धनवंतरी कौन थे, तो भाई ये थे चिकित्सक, ठीक है। किसके समय में थे, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे, या फिर कह देगा कि धनवंतरी किस युग के थे, तो आप कहेंगे गुप्त युग, ठीक है ना, गुप्त काल कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है, ध्यान रखिएगा धनवंतरी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, क्वेश्चन है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है राजतंत्रात्मक, ठीक है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी, राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है फाहयान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुआ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है, फाहयान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुआ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।